अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुलनाज राशिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टिप्स बाय गुलनाज राशिद। आज मैं ईद स्पेशल मलाई केक बना रही हूं, जिसकी रेसिपी बहुत सिंपल है और आप बग़ैर अवन के, बग़ैर कुछ बेक किए हुए बहुत आसानी से अपने किचन में अवेलेबल सोर्सेज से ये केक तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये जो बेल का आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ सबसे पहले फ्री में देखने में मिलेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैं हाफ कप योगर्ट ऐड करूँगी। ये होममेड दही है, आपके पास भी अगर होममेड दही अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ करें, अदरवाइज़ आप बाज़ार का दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ पे इसमें जाएगा हाफ कप पाउडर शुगर। पाउडर शुगर ना हो तो आपके पास घर में जो शुगर होती है आप उसको ग्राइंड कर लें, ना भी करना चाहें तो इसमें वैसे ही डाल के अच्छी तरह से मेल्ट कर लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना पड़ेगा, ये इजीली ऐसे ही मिक्स हो जाएगा सिर्फ चंद दफ़ा विस्क करने से। और साथ में है ये क्वार्टर कप ऑयल, कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं, आम जो घर में यूज़ होता है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों यूज़ होंगे इसमें, ये दोनों इसके अंदर ऐड करते हैं। और साथ में वनीला एसन चंद ड्रॉप उसके डालेंगे हम, इससे केक की फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालना चाहें या आपको अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर दें। अब इन चीज़ों को मैं 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से व्हिस्क कर लेती हूँ। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसके अंदर जाएगा मैदा, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, 1 कप एंड 1/4 कप, यानी ये तकरीबन 1/4 कप मैदा इसमें जाएगा। और साथ में कंडेंस मिल्क, कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है, ये तकरीबन 1/2 कप मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये होममेड है, मैंने घर पे तैयार किया है। वनीला एसन की वजह से अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी आना स्टार्ट हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखिए ये थोड़ा सा गाढ़ा है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड करूँगी, 2 चम्मच दूध डालने से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। दूध आपको इससे ज़्यादा भी ऐड करना पड़े तो आप कर सकते हैं, बैटर इसका कुछ इस टाइप का होना चाहिए। 1 चम्मच मज़ीद ऐड कर लेते हैं दूध का। चलिए जी, अब बैटर हमारा रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको कुक किस तरह से करना है। अब मैंने ये एक शीशे का बोल लिया है जिसमें मैंने केक को कुक करना है और इसी में हम सर्व करेंगे। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को इस तरह से घुमा के पूरे बाउल को हम ग्रीस कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून मैदा लेके इसके अंदर डस्ट कर लेंगे हम। मैदे को भी उसी तरह से घुमा के तो हम सारा जो बाउल है उसको इस तरह से कर लेंगे ताकि ये केक जो है वो नीचे चिपके ना। बॉल को हमने मैदे और ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। अब जो बैटर हमने रेडी किया है, ये मिक्सचर, ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये मैंने एक पतीले में 1 गिलास पानी ऐड किया है और उसे स्टोव के ऊपर रख दिया है। फिर मैं उसके अंदर ये जाली स्टैंड रखूँगी इस तरह से, और फिर हमने जो केक का बैटर तैयार किया है ये इसके अंदर रखूँगी। अब इस बाउल को मैं एक प्लेट से कवर करूँगी ताकि जो स्टीम के ड्रॉप्स हैं वो इसके अंदर ना गिरें। कवर करने के बाद इस पतीले को हम स्लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ये साथ ही मैंने एक पैन में 3 कप दूध रखा है गर्म होने के लिए। ये दूध का हम एक बैटर तैयार करेंगे जिसको केक के ऊपर पोर करना है। दूध को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा भी हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड करूंगी, इससे इसका टेस्ट भी बहुत रिच हो जाएगा और ये अच्छा मीठा भी हो जाएगा, गाढ़ा भी हो जाएगा। अब इसे हम मज़ीद 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी जरदा रंग।
30 मिनट्स हो चुके हैं। अब एक दफ़ा हम ओपन करके इसको चेक कर लेते हैं। प्लेट मैंने हटा दी थी, प्लेट के साथ ये चिपक रहा था, फूल के ऊपर आ गया था। अब मैं नाइफ से इसको चेक कर लेती हूँ कि आया ये हुआ है तैयार कि नहीं। ये देखिए अभी ये छुरी के साथ चिपक रहा है, तो अभी ये मैं 10 मिनट के लिए इसको मज़ीद कुक करूँगी। अभी हम इसको मज़ीद ढाँप देते हैं। पानी इसका चेक कर लीजिएगा, अगर पानी कम हो तो आधा ग्लास पानी और ऐड कर दीजिएगा। अब 15 मिनट के बाद अगेन चेक करते हैं। वाह, देखिए केक कितनी अच्छी लुक दे रहा है। नाइफ से अगेन मैं चेक करती हूँ। ये देखिए अब नाइफ़ बिल्कुल साफ़ है, इट्स मीन कि ये अंदर तक पक चुका है। अब मैं स्टोव ऑफ़ कर देती हूँ और थोड़ी देर इसका ठंडा होने का वेट करती हूँ। ये केक हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और साथ में ये जो बैटर हमने तैयार किया था मिल्क और कंडेंस मिल्क से, एक चुटकी ज़रदा रंग डाला था इस पर, ये भी रेडी है। अब ये मैं इसके ऊपर पोर कर दूँगी। ये हमने इतना पोर करना है कि इसमें आहिस्ता आहिस्ता से डिप कर जाए और इसमें अब्सॉर्ब भी होता जाए। अब्सॉर्ब करने के लिए आप फोक से इसमें निशान भी लगा सकते हैं। अब साथ साथ मैं इस केक में इस तरह से निशान डालती जाऊंगी, इस तरह से ये जो लिक्विड हमने बनाया है अच्छी तरह से इसमें अब्सॉर्ब हो जाएगा और हमारा मलाई केक और सॉफ्ट हो जाएगा। सारे में निशान डाल दें इस तरह से और साथ साथ ये पोर करते जाएं। ये केक आपने अच्छी तरह से डिप कर देना है, ये अभी अब्सॉर्ब कर लेगा केक और ये दूध जो है ये इसके अंदर तक चला जाएगा। आप इसे अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से गार्निश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बारीक कटे हुए आलमंड यूज़ करूँगी। कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। ये तमाम आलमंड मैं इस तरह से डाल देती हूँ। आप चाहें तो किशमिश और पिस्ता वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर लें। जो सरफेस आपको लगे कि ड्राई हो गई है वहाँ थोड़ा थोड़ा और पोर करते जाएं इस तरह से। अब 5 मिनट के बाद मैं आपको दोबारा से चेक करवाऊँगी। ये सारा मिल्क जो है ये केक में अब्सॉर्ब हो चुका। केक माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है और सॉफ्ट भी बहुत हो गया है। अब मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाती हूँ। वाह, ये देखिए किस तरह, ये देखिए किस कदर खूबसूरत केक का पीस है, लग रहा सॉफ्ट है, बहुत यम्मी लग रहा है। अभी मेरा रोज़ा है, मैं टेस्ट नहीं कर सकती। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।